गलत राह अक्सर हमें आकर्षित करती है लेकिन पहुंचाती कहीं नहीं है। अगर हम इतिहास उठाकर भी देखें तो पाएंगे जो लोग महान हुए, जिन्होंने इस देश को, दुनिया को नई दिशा दी, उनमें एक बात समान थी और वो थी उनकी नैतिकता और सिद्धांत। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ये बातें हमें अपने स्कूल कॉलेजों की किताबों में पढ़ाई तो जाती हैं, लेकिन ये हमारे आचरण में नहीं ढलती हैं। सोचिए, इस देश की प्राचीन इमारतें जितनी भव्य हैं, उतनी ही पुरानी भी हैं। उन बड़े बड़े पुलों पर, रेल की पटरियों पर नजर डालें जो आज तक उसी हाल में है। वजह सिर्फ एक ही है, इन्हें बनाते वक्त ईमानदारी की ईंट का इस्तेमाल हुआ, इसे सिद्धांतों के सीमेंट से बनाया गया और भ्रष्टाचार की दीमक इसे कभी नहीं लग पाई, इसलिए ये आज तक वैसी की वैसी खड़ी हैं। यही व्यवहार अगर स्कूल के दौरान ही हमारे अंदर आ जाएं, हमें कुछ भी गलत लगे या दिखे तो उसके खिलाफ हम आवाज उठाना सीखें, तो इस देश की मजबूती को कोई टक्कर नहीं दे सकता है। एजुकेशन मस्ट नॉट ओनली हेल्प स्टूडेंट अर्न ए लिविंग बट इट मस्ट लर्न हाउ टू लिव फर्स्ट। समवन आस्क्ड फ्रेंच फिलोसोफर ब्लेज पास्कल, गिव मी योर ब्रेन्स एंड आई विल बी ए बेटर पर्सन, टू विच पास्कल रिप्लाइड, बी ए बेटर पर्सन फर्स्ट एंड यू विल ऑटोमेटिकली गेट गुड ब्रेन्स। In my opinion, education must equip our students first with the fundamental traits of sincerity, dedication, hard work and respect for rules. This, combined with other characteristics like compassion, help for others and respect for all, will help us create an ideal society. सवाल ये उठता है कि इसे हम किस तरह लागू करें? बहुत आसान तरीका है। अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ ले, हर चीज, हर जानकारी अपनी जगह पर उपलब्ध हो और ईमानदारी से चेक हो, तो भ्रष्टाचार को आसानी से खत्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नागरिकों की सक्रियता कितनी जरूरी है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी अभातशिप को इसका महत्व ज्ञात है। अभातशिप अपने काम में पूरी तरह पारदर्शिता रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सके। अभातशिप में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। अभातशिप चाहता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा ही नजरिया उनके छात्रों का भी हो ताकि ये देश जल्द से जल्द इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सके। इस सप्ताह अभातशिप आगे बढ़कर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहा है, जिसमें अपने सभी छात्रों के बीच ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के जज्बे को जगाने की कोशिश करेगा। AICT is observing Vigilance Week from 26th October. AICT has sent a circular to all the colleges to observe this week in order to create a transparent, corruption-free India. It is very important that today's students who are going to be tomorrow's citizens are required to be aware of the vigilance, and therefore this week is being observed. We want that students should be aware of the essentials of the vigilance, that is transparency, having ethical behavior, professional behavior, and be having high moral values. I'm sure that by the conduct of this program, students are made aware of this issue and they will follow this when they take leadership roles in the society in future. अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें मिलकर कदम उठाना होगा। This is an important week, Vigilance Awareness Week, a time of the year when we rededicate ourselves to the values that will make our country proud of what we do. To students in particular, you are the future, but you are also the guardians of the present. We must be honest, we must be true, not only in our lives, but in our institutions, in the community, and we must spread this message to the people around us. Vigilance is important, and it is the duty of every citizen to promote it, to rid this country of the social evils, of corruption, of
activities that prevent us from achieving our true potential. So I would urge students and the student community to be in the forefront of the crusade against corruption. आओ हम शपथ लेते हैं, हम भारत के लोक सेवक सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। हम ये भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के लिए निर्बाध रूप से कार्य करेंगे। हम अपने संगठन के विकास और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहते हुए कार्य करेंगे। हम अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपने संगठनों को गौरवशाली बनाएंगे तथा अपने देशवासियों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे और भय और पक्षपात के बिना कार्य करेंगे।